एटीसी प्रेजेंट्स मसालों की रेंज, खास पहाड़ी व्यंजनों के लिए हमारे सेपू वड़ी, राजमा, जिमीकंद और खेरू मसालों का इस्तेमाल करें और पहाड़ी खाने का आनंद उठाएं। खड़े और पिसे मसाले एक ही पैक में उपलब्ध। पहाड़ी खाने का असली स्वाद केवल एटीसी मसालों के साथ। एटीसी स्पाइसेस, प्योरिटी ऑफ देवभूमि। रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। तो इस वीडियो में आपको इंटर स्टेट बस सेवा की स्थिति बताऊंगा, नाइट कर्फ्यू की स्थिति बताऊंगा, लॉकडाउन की स्थिति, कोविड ई पास जो आज ही लागू किया जा रहा है वो भी बताने वाला, फुल प्रोसेस बताऊंगा, और बॉर्डर पर जो एंट्री के लिए क्या नाका लगेगा और RT-PCRA की रिपोर्ट के बारे में भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो अभी कीजिएगा लाइक हमारे उत्साहवर्धन के लिए और देखते रहिए हिमाचल की लेटेस्ट जानकारी के लिए ये चैनल, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे सोशल हैंडल फेसबुक पेज इसी नाम से है और एक ग्रुप भी बना हुआ है हिमसागर में, जिसमें आप अपनी टूरिज्म से रिलेटेड फोटो पोस्ट कर सकते हैं, उनको लाइक फॉलो कीजिए। अब इंटरस्टेट बस सेवा की बात करें तो इंटर स्टेट 4 डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में नाइट कर्फ्यू है, फिर भी इंटर स्टेट बस सेवा चालू रहेगी। बसों की संख्या में कमी कर दी गई है, ये बात ध्यान रखिए, लेकिन चालू है, आप आना चाहे तो आ सकते हैं और सभी प्रकार के व्हीकल अलाउ है। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट यानी RT-PCRA रिपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए? जी हाँ, चाहिए। और ये जो सभी नियम है यानी नाइट कर्फ्यू मान लीजिए, कोविड ई पास मान लीजिए, RT-PCRA का जो नेगेटिव रिपोर्ट है, वो सभी के सभी आज रात्रि यानी कि 27 अप्रैल को रात्रि से ही लागू हो जाएंगे। अभी 26 है, 27 को चालू हो जाएंगे और आगे क्या स्थिति रहती है वो आगामी वीडियो में आपको जो लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी तो आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो RT-PCRA की रिपोर्ट आवश्यक कर दी गई है और कहाँ दिखाना है, कहाँ सबमिट, जहाँ भी अधिकारी मांगे, नहीं तो होटल के अंदर तो जमा करवाना है, और 72 आवर्स की अंदर अंदर आप हिमाचल के अंदर एंट्री करेंगे। कोविड ई पास है वो कैसे जनरेट होगा, फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इसके साथ आप यदि हमारी टीम के साथ घूमना चाहते हैं तो लिंक के लास्ट में ईमेल दिया गया, वहाँ आप अपना पैकेज और टैक्सी के लिए संपर्क कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं। और अब बात करें कि नाइट कर्फ्यू, तो नाइट कर्फ्यू 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है, उनके नाम है कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर। कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर, ध्यान दीजिए, कांगड़ा इनके अंदर जो टूरिज़्म पैलेस है, बाकी के उतने टूरिस्ट नहीं जाते हैं, जाते हैं लेकिन उतने नहीं जाते हैं। और इनका जो टाइमिंग रहेगा नाइट 10 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके दौरान जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो चलेगा, आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन वो RT-PCRA की रिपोर्ट और कोविड ई पास के जो नंबर है वो आपको अधिकारी जब मांगेंगे तो आपको दिखाना होगा, ये ज़रूरी किया गया है। कुल मिलाकर बात मोटे तौर पर ये कही जा सकती है कि आप हिमाचल प्रदेश में जैसे ही एंट्री करेंगे तो RT-PCRA की जो नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, दूसरा है कोविड ई पास रजिस्ट्रेशन चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और जो निजी वाहन है उनके अंदर, वहाँ जो टूरिस्ट है उनकी सीमा तय नहीं हुई है, जैसे ही तय होगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, मेरे जो पास जो आंकड़े आ रहे हैं लेटेस्ट अपडेट। और रही बात लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन हिमाचल में नहीं होगा, और DC है उनको पावर दिया गया है और ग्राम पंचायत है उनको पावर दिए गए हैं। अब आपको कोविड ई पास कैसे बनता है वो बताएंगे, पूरी प्रोसेस। ई पास यदि आप बनाना चाहते हैं, कोविड ई पास यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे कोविड ई पास HP के नाम से तो आ जाएगा, ये साइट दे रखी है नीचे, तो इसको नोट कर लेवें, इस नाम से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये इंटरफेस रहेगा। तो सबसे पहले आप यदि हिमाचल की यात्रा करना चाहते हैं तो मैंने ये भर रखा है और इसके अंदर जो जितनी भी सूचना दी गई है वो फाल्स है, आपको समझाने के लिए। तो आप
इसको भरकर सबमिट ना करें, कृपया इसमें जुर्माना हो सकता है, मैंने सबमिट नहीं किया आपको समझाने के लिए है। तो सबसे पहले ये विंडो खुलेगी, इसके अंदर आप हिमाचल आ रहे हैं तो पहला, और हिमाचल से हिमाचल के हैं तो बाहर जा रहे हैं तो दूसरा भर लीजिएगा। दूसरा है इसके अंदर आप कहाँ से आ रहे हैं, तो इसके अंदर आप पूरे भारतवर्ष के स्थान खुल जाएंगे तो आप भर सकते हैं। और इसके अंदर नॉर्थ अंडमान इसका जो पार्ट है वहाँ से मैं आ रहा हूँ और पोर्ट ब्लेयर से आ रहा हूँ, इसका मैंने फ़ाल्स एड्रेस दिया है, तो आप ध्यान कर ले कि आपका फुल एड्रेस होना चाहिए, जैसा कि आप जो भी आईडी कार्ड सबमिट करोगे उसके अंदर जो दिया गया है वो आपको इसके अंदर इंटर करना है। तो दूसरा है कि इसके अंदर आप कहाँ की यात्रा करना चाहते हो, ट्रैवलिंग टू, तो कुल्लू की यानी कि मैं मनाली की यात्रा करना चाहता हूँ तो आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट उसका आएगा, हिमाचल के जितने भी 12 डिस्ट्रिक्ट है वो सब ओपन हो जाएंगे। तो उसके अंदर आप कौन से, तो शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, लाहौली स्पीति, उनके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अंदर तहसील मनाली है और इसके अलावा जो ब्लॉक टाउन है वो मनाली टाउन है। इसके अंदर जो रेड स्टार दे रखा है वो भरना मस्ट है, और इसके अंदर वार्ड नंबर 1 है, और इसके अंदर आप जहाँ अपना होटल लोकेटेड है, मैं टूरिज्म के पर्पज़ से बता रहा हूँ, तो यदि जहाँ होटल है उसका एड्रेस आपको बुकिंग के समय आपको मिल जाएगा, उस एड्रेस को यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। और यदि आप हिमाचली है तो हिमाचल अपने घर का एड्रेस जो आधार कार्ड में दे रखा है वो आप भर सकते हैं, और खुद का आप पर्सनल डिटेल है, खुद का नाम दे दिया, मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर मेरे नहीं है, मैंने 9 से लेकर 0 तक उल्टा लिखा है, देख सकते हैं। और इसके अंदर आप सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये सरफिक्स लगा सकते हैं, वाइफ ऑफ, तो और पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। और आप कौन सी आईडी सबमिट कर रहे हैं, मैं आधार कार्ड सबमिट कर रहा हूँ, और फिर आईडी नंबर लिख दीजिए, मैंने फाल्स लिखा है 2-1 करके, फिर 3-4-5-6-7-8-9-10-1-2 ऐसे लिख दिया है, और फिर किस पर्पज़ से आप आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो वो लिखना ज़रूरी है, टूरिज़्म से लिख दीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरी है जो आप देख सकते हैं, बहुत सारी उन कैटेगरी में है, तो आप और टूरिज़्म के अंदर भी सब कैटेगरी है, टूरिज़्म और टेंपल विजिट, तो मैं सजेशन रहेगा टूरिज्म ओके कीजिएगा, उसमें टेंपल विजिट दोनों शामिल होते हैं। और इसके अंदर आप जहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो उसको डिस्क्राइब कीजिएगा, ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि जैसे मैं मनाली के संदर्भ में बात करूँ तो मनाली, आल मनाली लिख दीजिएगा। इसके अंदर आप सोलांग वैली घूमना चाहें या अटल टनल शिशु या आप मणिकरण है, कसोल है, वो जहाँ घूमना चाहें उसका स्टेर पूरा लिख दीजिएगा। ज़्यादा लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिखने से दिक्कत हो सकती है क्योंकि उस इलाके में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर आप जहाँ स्टे करेंगे उस होटल, होम स्टे या अपने दोस्त के घर रुकेंगे तो उसका आप डिटेल लिख सकते हैं। मैंने मूनलाइट नाम से एक होटल का नाम लिख दिया है, ये होटल है या नहीं मेरे को नहीं पता, मैंने फाल्स सूचना दी है आपको समझाने के लिए बस। तो ये मनाली के अंदर उसका एड्रेस लिख दीजिएगा, और बुकिंग कब से कब की है, टू और फ्रॉम लिख दीजिएगा, और आप यदि COVID-19 टेस्ट कराया है तो उसके नंबर आपको लिखना यहाँ ज़रूरी है, और उसकी COVID-19 72 आवर्स की नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ सबमिट करने की, चूजे फाइल आप पहले फ़ोटो खींच के PDF में कन्वर्ट कर लेवें और उसको आप अपलोड कर देवें। और आप कहाँ से आ रहे हैं उसका आप एड्रेस का प्रूफ, और कहाँ जा रहे हैं उस होटल का, यदि आप बुकिंग कर रखी है या हिमाचली है तो अपने घर का एड्रेस का आधार कार्ड वगैरह दे सकते हैं। लेकिन 2 नंबर के अंदर जो ट्रेवल कर रहे हैं टूरिज्म पर्पज़, तो उनके लिए होटल के लिए आएगा। अब कौन से वाहन से आ रहे हैं उसके डिटेल भी भरना है, उसके अंदर सभी प्रकार के वाहन अवेलेबल हैं। 2-व्हीलर पूछ रहे थे कि 2-व्हीलर अलाउ है या नहीं, तो ये 2-व्हीलर अलाउड है, तो आप देख सकते हैं, और सारे वाहन हैं। तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस से आ रहा हूँ, उस बस के नंबर नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप निजी वाहन से आ रहे हैं, प्राइवेट वाहन से, तो उसके नंबर डालने होंगे। कब आप हिमाचल में एंट्री करोगे वो बताया गया है, और आपके साथ कितने हैं, तो आप अकेले हैं या और कितने हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और इसके अंदर लास्ट में जो कैप्चा दिया गया है तो वो फिल कर दीजिएगा, और फिर यहाँ ये नियम पढ़ लीजिएगा। दूसरे एक नियम में दे रखा है कि आप कोविड पॉजिटिव है, यस या नो कर सकते हैं। दूसरा है कि आरोग्य सेतु आपको इंस्टॉल किया है या नहीं, यदि नहीं किया तो लाल वाले अक्षर दबाकर इसमें आरोग्य सेतु आपको डाउनलोड करना होगा, और रजिस्टर्ड इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गवर्नमेंट ने इसको प्रिंट निकालने की कोई ज़्यादा सलाह नहीं दी है, और आपको ये नंबर आएंगे वो नंबर आपको लिख कर याद
लिख कर रखने हैं, यानी याद करने हैं, मोबाइल में सेव करने हैं। तो मेरा इस सलाह रहेगी कि आप प्रिंट निकाल लेवें, क्योंकि मोबाइल इतनी दूर से आएंगे तो डिस्चार्ज भी हो सकता है, उसके अंदर दिक्कत रहेगी, तो इसका प्रिंट निकाल लेवें और मोबाइल में फ़ोटो भी खींच लेवें, जो नाका लगेगा तो उसके ऊपर आपको दिखाने में काम आएगा। तो इस प्रकार ये आरोग्य सेतु ऐप है, डाउनलोड ज़रूर कर लेवें। और पूरी जानकारी मैंने बता दी है, इसमें कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं और देखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।